नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में, जानेंगे कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन, करेंगे पीयर्स कंपैरिजन, देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर देखेंगे स्टॉक चार्ट लॉन्ग टर्म का और कैसे ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर रही है, जानेंगे कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री और जानेंगे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बजाज ऑटो लिमिटेड दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 3 और 2 व्हीलर कंपनी है और बजाज एक वेल नोन ब्रांड है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड की प्रेजेंट वैल्यूएशन। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1,23,500 करोड़ का, पी रेशो है 25 की, कंपनी के पास कैश रिजर्व एंड सरप्लस हैं 24,912 करोड़ के और डेट है 0। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड का पीयर्स कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल में टॉप 6 कंपनीज़ हैं उनकी मार्केट कैप के हिसाब से, तो यहाँ पर नंबर 1 पर है बजाज ऑटो। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 53.70% शेयर होल्डिंग, FPI के पास है 11.99%, DII के पास है 12.28% और अदर्स के पास है 22.02% शेयर होल्डिंग। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड की बोनस शेयर्स हिस्ट्री। कंपनी ने अब तक एक बार बोनस शेयर्स दिए हैं 2010 में 1:1 की रेशो से। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड का स्टॉक प्राइस चार्ट साल 2003 से लेकर अब तक का। और यहाँ पर साल 2010 में कंपनी का बोनस शेयर आया 1:1 की रेशो से और उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है हर साल। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है 5% CAGR के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 3% CAGR के हिसाब से और स्टॉक प्राइस की ग्रोथ हुई है 12% CAGR के हिसाब से। और अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने साल 2010 में बजाज ऑटो के 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी तो 100 शेयर्स लेने के लिए उस समय इन्वेस्ट हुए थे 2,40,000 रुपये और प्रेजेंट में उन 100 शेयर्स के 200 शेयर्स बन चुके हैं जिनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है लगभग 8.5 लाख रुपये। इसके अलावा उन 100 शेयर्स लेने वाले छोटे इन्वेस्टर को अब तक 10 साल में लगभग 1,16,000 रुपये डिविडेंड के रूप में भी मिल चुके हैं। और ये है बजाज ऑटो लिमिटेड के स्टॉक की पिछले लगभग 10 साल की डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बजाज ऑटो लिमिटेड का डिविडेंड पर शेयर हर साल का। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बजाज ऑटो लिमिटेड के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बजाज ऑटो लिमिटेड एक डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और बजाज ऑटो के पास काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है 150+ CC बाइक्स के सेगमेंट में। और अगले 7 से 10 साल में टू व्हीलर्स की इंडिया में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 8 से 9% के बीच में और कंपनी की डोमेस्टिक और ग्लोबल सेल तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए बजाज ऑटो के पास ह्यूज पोटेंशियल है और ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है अगले 10 से 15 साल में ग्रो करने के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।